राम राम जी, वेलकम बैक। फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में ना भाई कुछ अलग कर रहे हैं हम, क्योंकि नॉर्मली हम कैंपिंग वीडियो डालते हैं, पर आज रविंदर जी आए हैं तो कुछ अलग करते हैं, क्योंकि हम दोनों लड़के लड़के हैं। आज मनन को भी नहीं लेके आए, उसकी मम्मी को भी इनको रेस्ट करा दिया। तो आज हम जा रहे हैं हिमानी चामुंडा माता जी के दर्शन करने, जिसका मतलब कम से कम सुना है कि 4-5 घंटे का ट्रैक है सीधा खड़ी पहाड़ी के ऊपर। तो वो ट्रैक दिखाते हैं आपको और मजा लेते हैं। आज मौसम भी ठीक है, बारिश नहीं आनी, तो कल भी बारिश के मतलब दिक्कत हो गई थी बारिश की, तो हम कर नहीं पाए थे ट्रैक, कल सोच रहे थे पर आज कर लेते हैं। और अभी बस हम पहुंच चुके हैं, गाड़ी लगाते हैं, फिर आपको ट्रैक दिखाते हैं आपको कैसा ट्रैक है। सुनने में आगे काफी मतलब खतरनाक सा ही है, और अंधेरा होने से पहले आना है। अभी 12:30 अभी यहाँ बच चुके हैं हमें, तो कोशिश करते हैं कि अंधेरे से पहले आ जाए। और ये देखिए, ये रोड है जो सीधा धर्मशाला से पालमपुर की साइड जाता है आई थिंक, और ये सामने सीधा जाओगे तो आपको चामुंडा माता का जो नया मंदिर है वो मिल जाएगा बड़े वाला। और यहाँ से लेफ्ट हमने जाना है, तो यहाँ से लेफ्ट जाते हैं और लेफ्ट जाके गाड़ी लगाते हैं कहीं पे, और वहाँ से ट्रैक स्टार्ट करते हैं। वही रास्ता बिल्कुल है, तो है सिंगल सा ही रोड है, और यहाँ से रास्ता भैया लेफ्ट भी जा राइट भी जा रहा, कहाँ जाना है पता नहीं, शायद लेफ्ट ही जाना होगा। पूछता हूँ अंकल जी, चामुंडा माता ऊपर? ठीक है जी, ऊपर बोल रहा अंकल है भाई, ऊपर निकलते हैं भाई। गाड़ी लगाने की पूछी हमने जगह कि ऊपर गाड़ी लग जाएगी आराम से, और फिर ट्रैक है भाई 5 घंटे का ट्रैक है। कोई नहीं, माता रानी का नाम लेके चढ़ जाएंगे भाई, कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे पूरी पूरी अंधेरे से पहले आ जाए। ये देखिए रास्ते, वो छोटे छोटे मंदिर तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, नाग देवता का मंदिर था। ऊपर का मौसम भी खतरनाक हो रखा भाई, मज़ा आ जाएगा, बस गर्मी नहीं होनी चाहिए। चल तो हम लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी ठीक है यार, काफ़ी दूर तक तो रोड ही है। रविंदर जी बोलो कुछ, अभी तो पहुंचने के जाने पता लगेगा भाई। वो तो लगेगा, पर रास्ते कैसे लग रहे हो तो बताओ, तो खतरनाक है। कर लोगे चढ़ाई 5 घंटे की? बोलो, कोशिश करेंगे। और आगा जी कंड, कंड यहाँ से 1 किलोमीटर शायद कंड गाड़ी लगेगी अपनी, देख लेते हैं। यहाँ आके थोड़ा पजल से हो गया रास्ता, ने पता लग रहा कौन सा था। अभी रविंदर जी गए ऊपर पूछने, पता करके आएंगे, शायद तो यही रास्ता है, पता नहीं, ये तो टूटा फूटा सा लग रहा है, पर गाड़ी कहाँ जाएगी यहाँ, कोई नीचे से हमने कोई कट मिस कर दिया जहाँ से रास्ता होगा। बाकी देखते हैं, मंदिर शायद उस चोटी के ऊपर है जहाँ बादल दिख रहे पूरे। चलो देखते हैं, अभी पूछने तो गया है, पता लगे कहाँ से जाना है। रविंदर जी ने वहाँ से आवाज़ लगा दी, बोला यही रास्ता है, चलो चलते हैं, यहाँ से चलते हैं। माता रानी का नाम लेके कर दिया हमने स्टार्ट अपनी चढ़ाई। जय माता दी। और कम से कम 4 से 5 घंटे का ट्रैक है। हाँ जी, ओके, वो जो लाइट लगी हुई है नीले अक्षर नो लिखे है ना, हाँ हाँ, जेड़ा एरो मार्क देनी चाहिए जो ऊपर को गया। ठीक है ठीक है, मेन खास कर आगे भूल जाता गली। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी, धन्यवाद। चलो जी, एक भाई ने रास्ता बता दिया, भाई कम बोलेंगे और जल्दी जल्दी चढ़ाई करते हैं पूरी। अभी बोलो, अभी से हाथ पतली होगी, अभी तो 4 कदम भी चला, क्या हो गया? चलो 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 चलो, ये थोड़ा सा ऊपर जाके व्यू दिखाते हैं आपको। और रास्ते तो फिलहाल ऐसे ही कुछ है, इनसे चढ़ाई करनी पड़ेगी। जगह जगह एरो के निशान बने हुए हैं देखो, वाइट वाइट कलर के। और अभी तो वो स्ट्रीट लाइट पे जाना पहले, तो फिर देखते हैं भाई। रविंदर जी के यहीं पे हालत ख़राब होनी स्टार्ट होगी। और अभी थोड़ा सा आया, ओह सांस फूल गई, आदत नहीं है ना। और वहाँ गाड़ी लगी अपनी यहाँ पे, और वहीं से सामान लिया हमने, दूध वगैरह। तो अभी चलते हैं भाई, शुरुआत है भाई। हेलो क्या हुआ? आवाज नहीं निकल रही भाई, कमाल है। बोलो जय माता की। जय माता की। चलेंगे भाई, 1/2 किलोमीटर हुआ मुश्किल से, वो हाथ खराब है, धीरे धीरे आदत सी हो जाएगी ना। बहुत दिन हो गए ट्रैक नहीं किया, तो शरीर बिल्कुल ख़त्म हो रखा भाई। अब पता लग रहा है कि कितनी स्ट्रेंथ बाकी अपने अंदर, कुछ भी नहीं है, पहले के मुकाबले 10% भी नहीं है। चलो कोई नहीं, फिर से गेन करेंगे, चलते हैं। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. कुछ 1 किलोमीटर चलने के बाद ये व्यू, ये देखिए
बड़ा मस्त। हवा भी ठीक है पर थोड़ी धूप है, पर कोई नहीं। ये हमारे भक्त यहाँ पर वेट करते हुए, मतलब आराम करते हुए, पानी की बोतल से हाथ नहीं हट रहा। पर चलो सही है, कोई नहीं, ऐसे ही माता रानी का नाम लेते लेते कर लेंगे अपना सफ़र पूरा। ये देखिए व्यू देखने के रुके थे थोड़े, और हम कहाँ से चले थे अब दिख नहीं रही जगह, साथ यहाँ पे नीचे चले थे, वहाँ गाड़ी दिखाई हमने। चलो जी, चलो भाई चलते हैं, हो गया रेस्ट, पानी पिला थोड़ा। श्री आदि हिमानी चामुंडा मार्ग पे जो द्वार आता ना, यहाँ तक पहुँच चुके हैं। कोई एक से डेढ़ घंटे के बीच हमें रस्ता मतलब टाइम हो गया, तो थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट लेंगे, पानी पियेंगे और फिर चलेंगे। और व्यू देखिए भाई, काफ़ी हाइट पे आ गए हम, वो वहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई अपने नीचे। थोड़ी धूप है पर मज़ा आ रहा ऑलमोस्ट। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ना तो ऐसा लग रहा बिल्कुल अलग ही दुनिया में जा रहे हैं। पर धीरे धीरे पहुँच जाएंगे, पर कोशिश ये रहेगी कि अंधेरा होने से पहले आ जाए, नहीं तो फिर नाइट लगानी पड़ेगी हमें, क्योंकि जंगली जानवरों का सुना है कि ऐसा कोई दिक्कत है, पर पता नहीं। फिर भी सेफ रहते हुए सारे अपना दर्शन भी करेंगे, ट्रैक भी करेंगे। और ये देखिए हमारे भगत लेट चुके हैं, रविंदर जी यहाँ पे धाराशाही होते हुए। चलो जी, जय माता दी। भाई क्या मस्त सीन आ रहा, देखो ऊपर बादल और ये भाई मंदिर का गेट, ओए होए दर्शन कर लो भाई सारे। चलो जी, फिर से 10 मिनट के रेस्ट के बाद चल पड़े हम फ्रेश होके बिल्कुल। अब देखते हैं थोड़ा सा और ऊपर जाके रेस्ट लेंगे। और देखो रेस्ट के बाद फुर्ती देखो, रविंदर जी बड़े फुर्ती भाग रहे हैं भाई। चलो 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 चलो। तो जी पहाड़ों पे नंदी के दर्शन भी हो गए भाई। देखो रास्ता दिख नहीं रहा बिल्कुल, शायद रास्ता हम गलत तो नहीं आ गए, पर पता नहीं। देखो कहाँ से निकल रहे हम, और देखो रास्ते में कितनी मोटी मकड़ी जाला बना रही है। सारे नहीं है देखो, कैसे हटाऊं इसको। छोटा सा मंदिर आ गया, और देखो छोटे छोटे स्टे करने के लिए बनाए हुए साथ पत्थर रख के। हमें लोकल अंकल जी से रास्ता पूछा, वो वाला रास्ता वहाँ से ऊपर जाना है। काफ़ी हाइट पे पहुँच चुके हम, आधा रास्ता आया नहीं है, पर ये इस पहाड़ के ऊपर जाते ना आधा रास्ता आ जाएगा। पर जहाँ रास्ता भूल रहे हैं ना, तो हमें पता क्या एरिया लग रहा है, ये बोतल पड़ी है कोल्ड ड्रिंक की, ये चिप्स कुरकुरे मैगी, वो देखो उधर कितने पाउच पड़े हुए हैं, तो इनसे पता लगता है कि यहाँ से रास्ता है। पर गलत चीज़ बहुत है यार, लोग जहाँ खाएंगे वहीं फेंक देंगे। देखो जगह जगह हर पूरे रास्ते पे है ये चिप्स कुरकुरे के पैकेट ना, प्लास्टिक की प्लास्टिक पड़ी हुई है। चलो कम से कम हम अपनी बोतल लेके आए हैं, इसी में पानी भर लिया था, ख़त्म होने वाली है ऊपर भर लेंगे। और अपना चिप्स कुरकुरे हमारे पास है नहीं, मैगी रखी है वो ऊपर जाके बनाएंगे। चलो चलते हैं यहाँ से, और नीचे मंदिर वहाँ जाके हमने रास्ता पूछा था यहाँ पे अंकल से, यहाँ से यहाँ तक आ गए। और ये देखो ये आ रहे हैं और भी ट्रैकिंग करते हुए, सारे बंदे आ रहे हैं ऊपर, बड़े स्लो आ रहे हैं भाई। हाथ में छड़ी पकड़ी हुई है, छाते पकड़े हुए हैं, और एक हम है, ना छाता है ना छड़ी है, पानी भी थोड़ा सा पड़ा हुआ है, पर चल रहे हैं कोई नहीं। बस माता रानी का मंदिर दिख रहा है और रास्ता, बस चल रहे हैं। चलो भाई उठ, चक दे फट्टे, ज़्यादा वो नहीं करना। उठा बैग, हमें देखो बैग भी कैसे फेंका हुआ इसने। रास्ता टफ है भाई, ये तो कहनी पड़ेगी, टफ तो है पर मज़ा भी है। थोड़ी धूप ही होनी चाहिए, धूप नहीं होती ना तो और मज़ा आता। क्या बोलते भाई रविंदर जी? धूप ज़्यादा गर्मी, रविंदर जी की आवाज़ ही बहुत मुश्किल निकलती है। चलो कोई नहीं, होता है कभी कभी। चलो हाँ, और ये रास्ता देखो कैसे, और ये तो बहुत सही दिखा रहा हूँ मैं रास्ता आपको, यहाँ से गायें घूमती हैं। देखो ये तो बहुत सही रास्ता है, काफ़ी जगह तो ऐसा है ना कि यहाँ पे एक बिच्छू बूटी होती है, वो पूरा वही क्रॉस करनी पड़ती है। हाथों पे लगी थी, जलन नहीं जलन हो गई थी हाथों पे, फिर ये रास्ता तो बहुत सही है। और फिर से रुक चुके हैं और पानी इतना बचा, बस पानी मिल नहीं रहा रास्ते में। वैसे एक दुकान आई तो थी पर हमने लिया नहीं पानी, ले लेना चाहिए था वहीं पर, पर कोई नहीं शायद आगे मिल जाए। थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुक गए फिर से, वो भाई पसीने से पूरे हाल हो गया, बस आधा रास्ता होने वाला है, अभी हुआ भी नहीं है मेरे ख्याल से, क्या पता हो भी गया हो, क्योंकि इस पहाड़ से ऊपर निकले तो पता लगेगा। अब तो ये रास्ता आपको दिख ही रहा होगा कैसे जंगल है बिल्कुल। देखो नीचे देखो, ये धर्मशाला पूरा एरिया दिख रहा है वो, और ये देखिए यहाँ से जाना हमने इस रास्ते से,
रास्ते तो खतरनाक है भाई, रात को तो सेफ नहीं है, मैं तो नहीं बोलूँगा, अगर रात होगी तो रुकना पड़ेगा ऊपर ही, पर कोई बात नहीं, कोशिश है चलने की, क्या बोलते हैं आ जाएंगे वापस, कोशिश करते हैं तो पहुँच के देखते हैं क्या होता है, अगर टाइम बचा तो ठीक है, नहीं तो फिर भाई स्टे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, इतनी हाइट पे आ गए ना, वो देखो नदी की छोटी सी लग रही है, और वो रास्ता देखो सांप की तरह, वहाँ से हम गाड़ी लेके आए थे और अपनी गाड़ी समवेयर वहाँ कहीं खड़ी है नीचे इसमें, यहाँ पे, और इतना रास्ता क्रॉस कर लिया हमने, पर बढ़िया भाई, पूरा देख सकते हैं धर्मशाला, पूरे गांव जितने भी है ना पूरे दिख रहे हैं, बिल्कुल मस्त नज़ारा आ गया, पानी की आवाज़ आ, नीचे नदी में कोई झरना ऐसा है छोटा मोटा, और नीचे से भी ट्रैक करने वाले बंदे आ गए देखो वहाँ तक, जगह जगह ऐसे पॉइंट बने हुए हैं, बैठ के आराम से रेस्ट कर सकते हो और व्यू का मज़ा ले सकते हो। इधर देखो गायें पहाड़ के ऊपर कैसे गायें, यहाँ पे जगह जगह पर चारा खा रही है, पर बिल्कुल एकदम से टेढ़ा पहाड़ है, कैसे खड़ी है समझ नहीं आ रहा, कैसे ग्रिप बनाती है, चीलबाज भी घूम रहे भाई, और ठंडी हवा होगी, ठंडी हवा होगी, बिल्कुल मस्त हवा होगी भाई, नज़ारे आ गए बिल्कुल चिल्ड। चलो जी फिर से अपना सफर स्टार्ट करते हैं, बोतल तो नहीं गिराई ना, ले लीजिए रख ली, चल 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 रख ली। इस रास्ते से हम आए हैं और यहाँ पर बीच में शायद यहाँ पर गांव कोई बल्दर गांव पड़ता है, वहाँ की जो मंदिर कमेटी है ना उसने यहाँ पर कुछ बैठने का चबूतरा सा बनाया हुआ, सही बिल्कुल, तो यहाँ बैठ के रेस्ट कर सकते हैं क्योंकि हाफ रास्ता हो जाता है लगभग, और ये ऊपर बिल्कुल चोटी पे जाना है, ये देखिए रास्ते कुछ ऐसे हैं, ये तो फिर भी ठीक है, बहुत बढ़िया, जो नीचे वाले रास्ते से आए ना भाई बहुत ख़तरनाक है, गायें बैठी हैं आराम से, आराम कर रही है, इनके लिए नॉर्मल है भाई, डेली वेज का काम है ये तो हम जैसे हैं भाई जो छोटे से ट्रैक में यहाँ पर हिल गया है, पर नेचर का मज़ा यार बहुत ज़बरदस्त, ये रास्ता जा रहा सामने से ये ट्रैक। चलो जी जय चामुंडा माता की। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it. The noose it fits. I'm losing shit. A stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your. जी थोड़ा सा और रास्ता हमने क्लियर कर दिया, पर अब गर्मी का नाम निशान ही नहीं है, बिल्कुल 0% गर्मी, पर थोड़ी स्वेटिंग हो रखी है, बस 5 मिनट बैठ जाते हैं ना तो ठंड लगनी स्टार्ट हो जाती है। देखो पीछे हमारे रविंदर जी बैठे हुए हैं, और व्यू दिखाता हूँ मैं कहाँ बैठा हूँ, ये देखिए, और ये देखो भाई नीचे पूरे बादल है, पूरा फोग ही फोग है, कुछ भी नहीं दिख रहा, और ये अपना रास्ता देखो बादल कैसे जा रहे हैं, और ये पूरा रास्ता भाई कुछ भी नहीं दिख रहा भाई नीचे बिल्कुल, और भाई ऑक्सीजन लेवल पूछोगे ना मतलब क्या बताऊँ, इतनी फ्रेश एयर है ना बहुत ज़बरदस्त, कुछ भी नहीं दिख रहा, सब कुछ वाइट है, थोड़ी देर पहले यहाँ पर बाज उड़ रहे थे, नीचे गायें दिख रही थी, नदी दिख रही थी, कुछ भी नहीं दिख रहा, बिल्कुल बादल, नज़ारे आ गए भाई, मज़ा आ गया, जो मतलब मेहनत करके यहाँ तक भी आया ना तो मज़ा आ गया बिल्कुल, और अब ऊपर जाएंगे, ऊपर का व्यू तो अल्टीमेट ही होगा जब यहाँ का इतना अच्छा है, तो क्या बोलते रविंदर जी क्या है फिर, अच्छा है। हाँ रविंदर जी थोड़े थक चुके हैं क्योंकि पानी ख़त्म हो गया, पानी मिल नहीं रहा रास्ते में, अब ऊपर जाके पानी पियेंगे। देखो जी जैसे जैसे ना मंदिर के नज़दीक आ रहे हैं ना नज़ारे मस्त होते जा रहे हैं, सामने का नज़ारा देख ही सकते हो, रास्ता तो कुछ ऐसा है, पर ये देखो कैसे बादल और फोग के बीच से बिल्कुल ठंडा भाई, पानी मतलब ख़त्म हो गया, पर ऐसा लग रहा कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि ठंडी इतनी हवा है ना, मज़ा आ गया। ये देखिए, ये देखिए यहाँ से जाना ऊपर, बस स्टॉप पे पहुँचने वाले हैं, इससे आगे देखते हैं कितना दूर और बसता है, फिर देते हैं आपको अपडेट, और जगह जगह ऐसे लिखा हुआ है और निशान भी बने हुए हैं कि भाई इस रास्ते से जाना है, वो भी बहुत सही है। इस पॉइंट पे पहुँचे हैं और फोग देख सकते हो आप, और बिल्कुल ख़तरनाक सा पॉइंट बना रखा कोने पे, पूरी ढलान है नीचे, और देखो बिल्कुल वाइट कुछ भी नहीं दिख रहा, बादल ही बादल, और फिर से भाई 2 कदम चलते ना ऐसे नज़ारे आ जाते हैं, बैठने का मन कर जाता हमारा नहीं तो हम काफ़ी देर पहले सफ़र पूरा कर सकते हैं चढ़ाई ना, पर मज़ा आता भाई ऐसे बैठने में। चलो थोड़ी देर और यहाँ पर बैठते फिर निकलते हैं आगे। थोड़ी देर के बाद एक और पॉइंट आ गया, शायद यहाँ की दुकान भी है पर जो बंद है,
देखो कैफे टाइप है, बंद पड़ा है और ये झंडे लगे हुए, भोलेनाथ का त्रिशूल लगा हुआ, एक पॉइंट आया पता नहीं कौन सा बोलते हैं, नाम नहीं पता। ये देखिए अब कहाँ जाना है पता नहीं, पीछे होना अंकल जी भी आ गए। मस्त हो गया भाई मौसम, काफ़ी देर चलने के बाद एक टपरी और आ गई, देखते शायद ये खुल ली हो, पानी मिल जाएगा क्योंकि किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, चाय कॉफ़ी सब कुछ अपने पास है। पानी ख़त्म हो गया भाई, वो कैमरे का फोकस भी जा रहा देखो। चलो हाँ पानी के पाइप जगह जगह पे इस टपरी पे जाकर देखते हैं, बाकी मौसम तो खतरनाक है। और भाई एक पाइप और मिली है शायद, इसके अंदर पानी हो, निकाल के देखते हैं। लो रविंद्र जी कैमरा संभालो आप, हम देखते हैं पानी मिल जाए तो। ओ आवाज़ तो आ रही है, ओह नज़ारा आ गया भाई। लो ये माता रानी ने बात सुन ली हमारी, है देखो पानी बिल्कुल ठंडा दिख रहा हो, कितना चिल्ड है, बिल्कुल फ्रिज जैसा पानी है ना भाई, मस्त। तो ऐसे पाइप थी भाई, टपरी टपरी भी बंद आज, तो पता नहीं क्या बात है आज सारी टपरियां बंद मिल रही है। ये देखो ये टपरी बंद है और एक टपरी ऊपर है, और भाई मेरे को तो देखो नज़ारे ज़बरदस्त लग रहे हैं। लो भाई एक टपरी और आएगी पर ये भी बंद है, और देखो बनाई कैसे है, पत्थरों से, कोई सीमेंट नहीं, कोई बजरी, कोई लोहा, कुछ भी नहीं, ये देखो पत्थर जोड़ जोड़ के बनाई हुई है, और छत देख लो, छत पे पत्थर लगाए हुए हैं भाई, ये सही है, मेहनत है पर भाई मेहनत देख रहे हो कितनी होगी, यहाँ पे सारे पत्थर इकट्ठे करने, लगाने, तार लगाए हुए हैं, बाउंड्री की हुई है, पर ये बंद है। चलो कोई नहीं, चलते हम आगे अच्छी सी लोकेशन ढूंढ के, कॉफ़ी बनाते हैं और बैठ के एंजॉय करते हैं। तो फिर से एक और ब्रेक के लिए रुक चुके हैं, अगली बार बैठ गए हम, बिस्किट खाते हैं। पहला बिस्किट खोला हमने, पार्ले जी का लिया था नीचे से, तो बस उसका एंजॉय ले रहे हैं। और मौसम मस्त, देखो बाल कैसे रखे हैं, बिल्कुल बारिश जैसे हो रखे हैं, और बस पहुंचने वाले, मेरे ख्याल से थोड़ा ही रहेगा आधे घंटे का, पर थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, रेस्ट भी बनता है भाई। फिर भाई फिर से चढ़ाई आ गई, देखो अभी तक रास्ते सही थे और ये फिर से चढ़ाई स्टार्ट हो गई है, और बारिश भी आने स्टार्ट हो गया, और बहुत बड़ी गलती करी है, छत्ता भी नहीं हमारे पास। वो पेड़ देखो कैसे अजीब है, बिल्कुल अजीब से पेड़ आ गए, यहाँ तो डर लग रहा भाई, वैसे बालू बुल्लू आ जाए तो इन पे चढ़ भी नहीं सकते। चलिए थिंक पॉजिटिव, माता रानी का नाम लेके चल जाते हैं ऊपर, ये चढ़ाई भी चढ़ जाते हैं जहाँ इतनी आके, तो मस्त है भाई। लो जी बारिश आ गई और रुक गए हम तो ऊपर, हमारे पास छाता भी नहीं है और मंदिर अभी थोड़ी दूर बचा हुआ है, छाता भी नहीं है, टेंट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर तेज़ बारिश आ गई ना तो फंस जाएंगे, सारे गिल्ले हो जाएंगे और सामान भी सारा गिल्ला हो जाएगा, कोई है ही नहीं तक दूर दूर तक, बस ये पेड़ है थोड़े से, इन पेड़ों के अंदर बच सकते हैं, पर ये भी कितनी देर बचाएंगे भाई, जब तेज़ बारिश आएगी तो सारा पानी नीचे आएगा। और अभी यहाँ से खच्चर गए हैं देखो, इस रास्ते से खच्चर उतर के गए नीचे, और भाई बिल्कुल स्लिपरी सा हो गया था, जैसे जैसे बारिश आ रही है समझ नहीं आ रहा क्या करें। अभी अब क्या होगा, अभी रुकना पड़ेगा थोड़ी देर, उसके बाद रुकना तो पड़ेगा, थोड़ा नीचे ले जाएंगे, क्या करेंगे नीचे, कहाँ जाएंगे नीचे, कौन सा छप्पर है भाई, पानी तो आएगा निकलने से, थोड़ा बहुत तो पेड़ों के नीचे थोड़ा आराम। चलो भाई कोई नहीं, देखते हैं। हेलो जी माता रानी ने सुन ली हमने, माता से रिक्वेस्ट करके एक घंटा रुक जाओ बस, वो देखो नीचे धूप, वहाँ धूप बादल, और अभी फोग छटी है, बस धूप निकली है ना, अब फोग छटी है, समझ गया मज़ा आएगा, पर ठंड लग रही थी, अब धूप अच्छी लग रही है। चलो जी चलते हैं, रास्ते गिल्ले हो गए, धीरे धीरे चलते हैं, पैर फिसल रहा अभी यहाँ पे, वो बादल भी गरज रहे हैं भाई, और ऐसे मस्त मस्त रास्ते आते रहते हैं बीच बीच में, ये देखो मज़ा आ रहा भाई इन पे चल के, अलग ही फील है। हेलो भाई, जब पूरा फोग था हम वहाँ से चले थे, देखो इस रास्ते से आए हम,
और काफ़ी नीचे है ये, यहाँ से ना काफ़ी घूम घूम के आना पड़ता है। अब सारे बादल देखो नीचे आ रखे हैं, ये देखिए कुछ व्यू ऐसा आ रहा है यहाँ से पूरी धर्मशाला, और सामने आप वहाँ का भी ट्रैक है शायद, पर अपना रास्ता ये है। अब तो बस आधे पौने घंटे में दर्शन हो ही जाएंगे। चलो चलते, धूप निकल गई, मज़ा आ रहा है। लो भाई वो सामने फ्लैग दिख रहे हैं मंदिर के, वहाँ जाना हमने अभी। रास्ता यहाँ से उसके ऊपर से घूम के ऐसे 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 वहाँ जाना है। बाकी ये कुछ नीचे का नज़ारे, बाद देखो कैसे आ रहे हैं, मज़ा आएगा भाई। और सबसे खूबसूरत रास्ता आ गया भाई, ये देखो प्रॉपर रास्ता बना हुआ है। और ये देखिए, और ये देखो बादल भी आ रहे हैं मस्त। ओ देखो भाई सामने गायें कितनी सारी वाइट वाइट दिख रही होंगी। तो चलो जी चलते हैं, और वहाँ जाना हमने, वो सामने मंदिर वो पोल दिख रहा है, रह गया आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। चलो जी चलते हैं। हेलो जी, फिर से मौसम देखो, अभी धूप निकली थी मस्त हो गया था, पर अब और बढ़िया हो गया। बस बारिश ना आए, बारिश आ रही है वैसे, पर फिर से बादल आ गया। ये देखो पीछे जबरदस्त नज़ारे हैं भाई, मौसम की तरफ से तो पैसा वसूल है। बस अभी कोई आधा घंटा और चलेंगे शायद पहुंच जाएंगे। ठंड लग रही है अब, यहाँ पे रुक रहे हैं ना तो ठंड लग रही है, अब चल रहे हैं तो शरीर गर्म रह रहा है तो सही है। ये देखो बारिश में जगह जगह रास्ते टूटे हुए हैं, ऐसे जाना पड़ रहा है यहाँ से। ये देखिए बादल आ गया फिर से, ओहो। और यहाँ पे गायें रास्ता रोक के खड़ी है हमारा, देखो अब इधर से कैसे जाए, पत्थर है और सामने देखो दो दो खड़ी होगी। अभी भाई ढूंढ रहे रास्ता, ऊपर भी एक गायें हैं, नीचे भी एक गायें हैं, तो कैसे रास्ते में खड़ी होगी। इनको ऐसा लग रहा है कुछ खाने को चाहिए, हमारे पास कुछ है नहीं फिलहाल कुछ खास, मैगी है। ढूंढते रास्ता, है रास्ता ऊपर से। चलो 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 भाई देखते हैं। वो बारिश थोड़ी सी तेज़ हो गई है, पहले चाय की दुकान थी ये भी बंद आज, पर यहाँ खड़े हो गए हम थोड़ी देर बारिश से बच के, फिर निकलेंगे आगे। थोड़ा ही आएगा वैसे तो, पर पता नहीं, देखते जाके पता लगेगा। अभी थोड़ा थोड़ा करके काफ़ी दूर आ गए हम, बिस्किट खाते खाते पहुँच गए ऑलमोस्ट। 5 मिनट या 10 मिनट का रास्ता रह गया। और ये देखिए ये बिल्कुल जो ये रास्ता है ना, यहाँ से पता लग जाएगा बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुके हैं हम, क्योंकि स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। और ये देखिए रविंदर जी भी यहाँ पर खा रहे हैं अपने बिस्किट, और छोटा सा कुंड है, तालाब है पता नहीं। ये देखिए कितना मस्त व्यू है भाई यहाँ का, ये तालाब है थोड़ा छोटा सा, और सामने का व्यू देखना। ये दौलतदार रेंज है भाई, जो दूर से दिखती थी ना ये वो रेंज सारी, आज इतनी क्लोज आ गए इसके ना, मज़ा आ गया। और ये व्यू देखो मस्त, कम से कम 5-5.5 घंटे के ट्रैक से वहाँ से आते उन पहाड़ों के बीच से आए हम, और ये आ गए सामने अपने माता का मंदिर। ये देखो वो सामने गेट। चलो जी फाइनली दर्शन होंगे और आपको भी करवाते हैं, मज़ा आ गया यार, फीलिंग बड़ी ज़बरदस्त है। आप कभी आओ ज़रूर, अगर आप फिजिकली और मेंटली स्ट्रोंग हो ना तो ज़रूर ये ट्रैक करो, मज़ा आ जाएगा भाई, दिल खुश हो जाएगा आपका। ये देखो दौलतदार रेंज की से पीछे देखो बर्फ़ गिरी हुई है, ओहो नज़ारे आ गए भाई। पहुंच चुके हैं, अभी दर्शन कर लेते हैं अंदर। पता नहीं कैमरा अलाउड है कि नहीं अलाउड है। माचिस नीचे गिर गई, माचिस पीछे, माचिस इसे धूप निकाल लेना। चलो जी दर्शन कर लेते हैं। लो जी दर्शन हो गया, प्रसाद मिल गया, पर अंदर फोटो नहीं ले सकते। चलो जी और मंदिर घुमाते हैं आपको, पर मेन मंदिर अपना यही है यहाँ पे, और इधर भी कुछ है। चलो सारा घूम के दिखाते हैं आपको और प्रसाद खाते हैं अपना। चामुंडा माता के दर्शन तो नहीं करवा सकते आपको क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं है, पर ये महाकाल के दर्शन ज़रूर करवाएंगे आपको, ये महाकाल का मंदिर है।
चलो अंदर चलते हैं। जय हो भोलेनाथ, जय हो जय हो जय हो, जय भोले बाबा की जय हो। अपने महाकाल का मंदिर, पूरे 5 घंटे के ट्रैक पे यहाँ पहुँचे थे हम, पूरे 5 घंटे लगे। अभी 5:30 का टाइम हो रखा है, 12:30 बजे हमने ट्रैक स्टार्ट किया था, पूरे 5 घंटे लगे। और यहाँ हवा बहुत तेज़ है, पता नहीं मेरी आवाज़ भी आ रही है कि नहीं आ रही है, पर 5 घंटे यहाँ लगे थे। अभी ना हमारे पास स्लीपिंग टेंट है, कुछ भी नहीं है ना, मतलब कुछ भी मतलब है ही नहीं यहाँ पे, और दुकानें भी सारी बंद है। तो क्या करें समझ नहीं आ रहा, रात को तो रुकना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ठंडी हवा यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त। अभी कपड़े चेंज करते हैं, सोच ये रहे हैं कि यहाँ से निकल लें, क्योंकि दर्शन हो गए बहुत बढ़िया और सारे काम हो गए, बस अभी निकल लें तो ठीक है, क्योंकि आने में 5 घंटे लगे हैं, जाने में 2.5 घंटे लग सकते हैं मेरे ख्याल से, 2.5 से 3 घंटे तो हम पहुँच सकते हैं नीचे गाड़ी में ना। तो सोच तो ये रहे हैं, बाकी देखते हैं अब क्या कुछ है, पूछ लेते हैं यहाँ पे ना, और बंदे भी आए हुए हैं उनसे पूछ लेते हैं कि क्या कुछ सीन है, और फिर निकलते हैं। फाइनली डिसाइड यही है कि निकलते हैं फटाफट से। मैगी भी बनाई, सारा सामान इसके अंदर है, कॉफ़ी बनाई नहीं, मैगी बनाई नहीं, 2 पैकेट दूध के हैं, पर भाई निकलना पड़ेगा क्योंकि कोई जुगाड़ नहीं है यहाँ पे, सारी दुकानें बंद हैं, कोई टेंट का जुगाड़ नहीं है, कुछ नहीं है, स्लीपिंग बैग नहीं है हमारे पास, तो कुछ है ही नहीं। और रात को तो ठंड होगी ना भाई, हाथ खराब हो जाएगी। तो निकल लेते हैं, बस कपड़े चेंज करते हैं। और ये भाई आए, इन्होंने बोला, ये सामने से आ रहे, इन्होंने बोला कि भाई स्लीपिंग बैग नहीं है ना और नहीं है रुकने का जुगाड़, तो भाई चले जाओ, कोई फ़ायदा नहीं रुकने का, इनके पास भी नहीं है अपना एक्स्ट्रा, तो बस अभी चलते हैं। चलो जी, माता रानी का नाम लेके और भोले शंकर की जय बोल के निकल चुके हम तो भाई। और अभी टाइम हुआ है, कितना हुआ है, 6:45 कितना बता, 5:50 है जो हम मंदिर से निकले हैं। तो भाई देखते हैं 2 घंटे 2.5 घंटे, क्योंकि आने में लगे हैं 5 घंटे, बारिश नहीं है, जाते टाइम कम लगना चाहिए, कितना कम लगेगा वो आपको बताएंगे, पर ये भी कमाल हो जाएगा भाई। 12:30 बजे हमने स्टार्ट किया था, अगर नीचे उतर गए तो मज़ा आ जाएगा। चलो चलते हैं और रास्ता दिखाते हैं आपको। ये देखो, ये वाला व्यू मेरे को बड़ा ज़बरदस्त लगा, ये देखिए अल्टीमेट है भाई। पर अब ज़्यादा कुछ आते टाइम दिखा नहीं पाऊँगा, क्योंकि बैटरी भी ख़त्म होने वाली है फ़ोन की, और भैया फटाफट से नीचे उतरना है बस, और गाड़ी में जाके खाना बनाएंगे आज तो, बस निकल लेते हैं यहाँ से। चलो जी नीचे मिलते हैं, अभी बीच में कुछ होगा तो रिकॉर्ड कर लेंगे हम। लो जी चलते चलते, कितना होगा टाइम, 1/2 घंटा 1/4 घंटा, कितना 6:36, 5:50 पे शुरू किया था और 6:36 हो चुके हैं, तो काफ़ी रास्ता तो कवर कर लिया। पर अब भाई जो है रोशनी चली गई, सूरज बिल्कुल डूब चुका है, और अब तो अंधेरा होने वाला है, 10-15 मिनट मैक्सिमम अंधेरा हो जाएगा, फिर अंधेरे में थोड़ा सा मुश्किल है यार, ये पंगा गलत हो गया। चलो कोई बात नहीं, देख रहे हैं जल्दी से जल्दी, जितना कवर हो उसके उतना बढ़िया। ये देखिए रास्ता दिखाता हूँ आपको, ये देखिए रास्ता, और देखो सूरज, सूरज तो है ही नहीं अब, जा चुका भाई। हम सोच रहे थे सूरज जब तक है ना काफ़ी रास्ता कवर कर लेंगे, पर नहीं हुआ, क्या करें यार, ऊपर टेंट नहीं मिल रहे, रात को बंदा मतलब कैसे काम चलेगा। और हाँ वहीं से चल, अब ये सूरज डूब चुका है, और भाई काफ़ी दूर जाना, अभी आधा रास्ता भी नहीं आया, क्या करें। चलो भोलेनाथ का नाम लेके चल रहे हैं, बस कोई जंगली जानवर ना मिले, थोड़ा डंडा मिला बस, और तो कुछ नहीं, बाकी स्पीड हमारी बहुत है। व्यू ये है यहाँ का व्यू, बस अब तो रिकॉर्डिंग कम ही कर रहा हूँ, क्या फटाक से बस नीचे उतर जाए। 1 घंटा हो गया 1 घंटे से ऊपर हो गया, वहाँ से चले थे हम, इस पहाड़ के पीछे मंदिर है भाई, ये पहाड़ दिख रहा है इसके पीछे है, और देखो कितना दूर है वो, और नीचे के हालात दिखाता हूँ, हमने रुक के फोटो खींचे थे, और ये देखिए नीचे की लाइटें जलनी स्टार्ट हो चुकी हैं, हल्का हल्का सा बस रोशनी है, और हमने वहाँ कहीं जाना है,
नीचे वहाँ या पता नहीं कहाँ, समझ नहीं आ रहा मेरे को तो कहाँ जाना है, पर ऐसा ही कुछ है नीचे। तो ये दो तीन पहाड़ी हो रहे हैं, ये क्लियर करनी पड़ेंगी। तो चलो भाई निकल ले भाई रविंद्र, जल्दी निकल ले गाई। सूरज मतलब मैक्सिमम 10 या 15 मिनट में अंधेरा हो जाएगा भाई। और अभी दो बंदे मिले थे, वो बोल रहे थे भाई जल्दी निकल लो, क्योंकि है तो पूरा जंगल ही ना, कोई सांप मिल जाए या कुछ हो, जंगली जानवर मिल ही सकता भाई। बस एक डंडा अपने पास ही है, क्या कर लेंगे इससे। चलो फिर भी चल रहे हैं, बस स्पीड में चल रहे हैं हम काफ़ी। 1 घंटे में हमने आधा सफ़र कर दिया, मतलब 2 घंटे में नीचे उतर जाएंगे हम, जहाँ 5 घंटे में चढ़े थे। बस आधा 1 घंटे की कमी रह गई, अगर 1 घंटे हम पहले घर से चलते ना तो मज़ा आ जाता। चलो कोई बात नहीं, चल पता जल्दी जल्दी निकल लेते हैं। रविंदर जी की ना हालत थोड़ी ख़राब हो गई है, क्योंकि पैर में दर्द हो गया। मेरा फिर भी ठीक है, दर्द तो है पर इतना नहीं है, पर इसके पैर में थोड़ा सा, क्योंकि पहले भी चोट लगी हुई ना इस पैर में। तो कोई नहीं भाई, माता रानी के दर्शन, कोई भी भगवान है भाई उसके दर्शन इतने आसानी से थोड़ी हो जाएंगे भाई, भगवान ऐसे थोड़ी मिल जाते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा अपने शरीर पर कष्टी लेनी पड़ती है, ऐसा बोलते हैं हमारे बड़े बूढ़े के शरीर पर कष्टी लेनी पड़ती है भाई, तो वही है भाई। चलो चलो जी, चलो जी, जय भोले शंकर, जय माता की। चलो आराम से भाई, आराम से फिसल रहे हैं पत्थर ना, बहुत बारीक बारीक पत्थर है, फिसल रहा पैर। और नीचे के नज़ारे भी दिखने स्टार्ट हो गए, बस जल्दी से दो पहाड़ी क्लियर हो जाए, एक ये एक उससे अगली, बस फिर कोई दिक्कत नहीं। फुल ऑन एडवेंचर हो गया, देखो कुछ नहीं दिख रहा, बस लाइट अपने पास, ये देखो लाइट के सहारे पे चल रहे हैं आज तो, फुल एडवेंचर। और रविंदर जी की हालत बिल्कुल खस्ता हो चुकी है, फिर भी हम धीरे धीरे चल रहे हैं, क्योंकि भाई चलना पड़ेगा, यहाँ नहीं रुक सकते, कुछ है ही नहीं रुकने का। ये देखो जंगल है, पूरा जंगल, सामने लाइट धर्मशाला दिख रही है, कुछ भी नहीं है ऊपर। अगर दुकानें मिल जाती तो भाई रुक जाते, पर क्या करें। बस आगे से ये है कि अगर आप भी आओगे तो थोड़ा देख के आना कि सुबह निकलो, शाम तक अपना आराम से आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। हम चले 12:30 बजे, हमने स्टार्ट किया था यहाँ से ट्रैक, और 5:30 पहुँचे थे, और देख लो भी अब। और ये हमारे रविंदर जी डंडे के सारे चल रहे हैं, बस डंडा मिल गया था, हमने तो वो भी नहीं रखा था, नहीं तो पानी का रास्ता है, पानी ने रास्ते बनाए हुए ऐसे, उन्हीं के अंदर से चलते हैं लोग। ये देखो सामने, ये सामने का नज़ारा, और ये जंगल का नज़ारा भैया, ये देखो जंगल पूरा, और बस सामने का नज़ारा। चलो 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 चलो, थोड़े रेस्ट के लिए रुके हैं, क्योंकि थोड़ी तबीयत ज़्यादा ही हल्की होगी रविंद्र जी की, तो हम भी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। बाकी देखो लाइट में दिख रहा है, जो भी दिख रहा है वैसे नहीं दिख रहा कुछ भी। चलो देखते हैं, वैसे कितना रह गया होगा, मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं, तो 2 हिस्से कवर कर लिए हमने, एक हिस्सा रह गया होगा ना। 4 किलोमीटर हाँ, 4 किलोमीटर बहुत है भाई, 4 किलोमीटर बोलने लगता है 4 किलोमीटर, और उतरना है हमने पूरा। पहले एक मिनट, ये रास्ता, ये देखो गेट आ चुका है यहाँ पे, मतलब आधे से आधा रास्ता होता है यहाँ पे, जब ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे, इसलिए इस गेट की पहचान करते हैं लोग कि भाई तीसरा हिस्सा आ जाता है। और ये गेट आ गया, ये देखिए चामुंडा माता का, जय हो माता रानी। और ये लाइट ने भाई ज़िंदगी बचा रखी है, छोटी सी लाइट ने, जाओ। रविंद्र जी की हालत खस्ता होगी बस, बाकी सब कुछ ठीक है, मैं तो चल जा रहा हूँ सही, इसका पैर ज़्यादा दिक्कत में आ गया। और भाई पूरा अंधेरा देखना, अब मैं लाइट बंद करता हूँ तो ये मामला क्या दिखेगा बताओ, कुछ भी नहीं दिखेगा, बस ये लाइट बहुत ज़रूरी है। चलो बस पहुँचने वाले हैं, आधा 1.5 घंटा मैक्सिमम तो पहुँच जाएंगे। क्या हुआ, कोई रेस्ट कर रहा है भाई, थोड़ी देर करा लेते हैं रेस्ट, पैर में ज़्यादा तकलीफ हो उसके। हाँ चलो कोई नहीं, माता रानी के यहाँ पे सही है, रेस्ट कर बढ़िया। तो ऑलमोस्ट पहुँच गए, 15-20 मिनट में, सामने लाइट दिख रही है, यहाँ पर अपनी गाड़ी लगी हुई है, तो ये रास्ता है, स्ट्रीट लाइट लगाई जगह जगह पर, देखो देखो यहाँ तो ठीक है, पर पूरे रास्ते में नहीं है, कहीं कहीं है, मतलब 2 किलोमीटर पे एक मिलेगी, ऐसा मामला है। तो इधर बैठते हैं, इधर और फिर चलते हैं। तो पहुंच ही गए, फाइनली पहुंच चुके हैं, सामने दुकान देख रहे हो, उसके पीछे गाड़ी लगी, अभी इधर से आओ, इधर से आओ सर, इधर से, इधर से। हाँ तो बस अभी गाड़ी में बैठते हैं। चलो जी आराम से आ गए, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस थक गया बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर आके हमने लिए नमकीन, 3 मिनट लिए हैं, ये खाएँगे,
और फिर निकलते हैं यहाँ से घर की ओर, ठीक है। तो आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी अगर आप जाओगे तो पूरा सामान लेके जाना और जल्दी जाना सुबह, अगर रात को जाओगे आओगे तो दिक्कत बहुत है, क्योंकि भाई पूरा जंगल ही है ना, जंगली जानवर आ जाएंगे, कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाएगी। तो जल्दी जाओ और अपना आराम से वहाँ पे घूमो फिरो, सारे काम करो ना, और उसके बाद आओ। तो ये मामला है, बाकी अपना कैंपिंग टेंट ले जाओ और कपड़े एक दो ज़्यादा ले जाओ ना, ताकि वहाँ पे अगर रात को ठंड बहुत होती है, तो इन बातों का ध्यान रखना जो हमने एक्सपीरियंस किया वो आपको बता दिया। बाकी बस निकलते हैं यहाँ से, अपने गाड़ी में बैठ चुके हैं, घर की ओर निकलते हैं। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक बटन दबा देना, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।